खाते में पेंशन मिल रहा है, पेंशन वृद्धा पेंशन सब मिल रहा है ना। चलो चलो मिल गया। यह है वैशाली जिलाधिकारी यशपाल मीणा जो वैशाली जिला के महुआ प्रखंड क्षेत्र के मिर्जानगर पंचायत में आयोजित अपना पंचायत अपना प्रशासन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान सड़क किनारे वृद्ध लोगों से वृद्धा पेंशन योजना के बारे में पूछा। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने और लोगों की समस्या से रूबरू होने के लिए मिर्जानगर पंचायत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपना पंचायत अपना प्रशासन कार्यक्रम दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। आदर्श मध्य विद्यालय मिर्जानगर के परिसर में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉल का भी निरीक्षण किया तथा पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान आदर्श मध्य विद्यालय मिर्जानगर परिसर में आयोजित खो खो टीम से भी मुलाकात की तथा उन्हें शुभकामना दी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपना पंचायत अपना प्रशासन कार्यक्रम में हिस्सा लेने एवं इससे लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर लोगों को कोई समस्या है तो वह अपना पंचायत अपना प्रशासन कैंप में जरूर रखे ताकि उसका निष्पादन ससमय हो। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 150 पंचायतों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें 9000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 3000 आवेदन पत्र का निष्पादन किया जा चुका है तथा अन्य आवेदनों का निष्पादन की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इससे लाभ उठाने की अपील की है। महुआ से सराफत खान की रिपोर्ट। देखिए आज हम लोग यहाँ पे मिर्जानगर पंचायत जो कि महुआ प्रखंड की पंचायत उसमें हम लोग उपस्थित हैं। आप सभी लोगों को अवगत है कि पिछले एक डेढ़ महीने से हम लोगों ने पूरे जिला भर में अपना पंचायत अपना प्रशासन की जो मुहिम चालू की है उसके अंतर्गत हम लोग सभी पंचायतों में पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं जिला प्रशासन की। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। पूरे जिला भर में आज सभी प्रखंडों में एक एक पंचायत को चिन्हित किया गया है कैलेंडर के अनुसार जिसमें कि हमारे जो प्रखंड स्तरीय जो अधिकारी हैं वो सब लोग अपने प्रखंड स्तरीय कर्मियों के साथ उपस्थित हैं और जन समस्याओं को सुन रहे हैं और तत्काल जिसका हम लोग निराकरण ऑन द स्पॉट कर सकते हैं उसका हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं और जो ऑन द स्पॉट निराकरण करने लायक नहीं है उनको हम लोग समय लेके उचित जाँच करते हुए उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी क्रम में आप सबके माध्यम से मैं बता दूं कि पूरे जिला भर में लगभग अब तक हम लोगों ने 150 पंचायतें कवर कर चुकी हैं 278 में और लगभग 9500 के लगभग हम लोगों को अभी तक पूरे जिला में इस मुहिम के अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें लगभग 3000 आवेदनों को हम लोगों ने ऑन द स्पॉट निराकरण करने का प्रयास किया। मैं पुनः आप सबके माध्यम से पूरे वैशाली जिला के जिलावासियों से अनुरोध करूँगा जब भी आपके पंचायत में कैंप लगे अपना पंचायत अपना प्रशासन चलिए तो उसमें जो हमारे जो प्रखंड स्तरीय और जो प्रखंडों के जो वरीय प्रभारी वहाँ पर पहुँच रहे हैं इस मुहिम का आप लोग लाभ उठा सकते हैं और अपनी समस्याओं को वहाँ पर आप लोग अभी से मैंने सब काउंटर को विजिट किया है। मेरे जो एसडीएम साहब हैं उनके द्वारा और डीडी साहब हैं उनके द्वारा विजिट किया है। अभी मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ समस्याएं जो हैं वो बिजली के बिल को लेकर भी कुछ समस्याएं यहाँ पे लोगों ने डाली हैं। कुछ समस्याएं जो हैं वो राजस्व के कार्य चाहे नापी हो चाहे जमाबंदी निराकरण का उसमें त्रुटि अगर कुछ है तो उसको सुधारने के लिए भी यहाँ पे समस्याएं कुछ लोगों ने जन समस्याएं अपनी पंजीकृत कराई हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो हम लोगों के प्रखंड स्तरीय जितने भी हमारे प्रखंड स्तरीय जो अधिकारी हैं वो पहुँच रहे हैं समस्याएँ अगर लोग अपनी आके पंजीकृत अपनी समस्याओं को रखेंगे तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि हम लोग अच्छा बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को हम लोग निराकरण करेंगे।